वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। एयरलाइन कंपनी की सभी फ्लाइट्स 19 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। दिवालिया एप्लीकेशन एनसीएलटी ने सुनवाई करते हुए कंपनी के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अनुवेश रथ से अपडेट लेते हैं। अनुवेश, तो साफ तौर पर गो फर्स्ट की मुश्किलें यहां पर खत्म नहीं हो रही है, जरा बताइए आज हुआ क्या? जी, ये गोफर्स के लिए सबसे पहले एक बहुत राहत की बात है, क्योंकि वो खुद ही ये पटिशन एनसीएलटी कोर्ट में लेके गए थे, जिसमें उन्होंने इंटरिम मॉनिटोरियम मांगा था, जो कि कोर्ट ने आज फुल इंटरिम मॉनिटोरियम एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके तहत एक आईआरपी अपॉइंट किया गया है। अभिलाष लाल जी को आईआरपी अपॉइंट किया गया है, और जैसे ही ये अपॉइंटमेंट होगा, अभी हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि अभी ऑलरेडी गोफर्स के जो सीईओ हैं वो आईआरपी के पास जा चुके हैं अपने पावर्स और अथॉरिटीज को हैंडओवर करने के लिए। जैसे ही ये ओवर की प्रक्रिया आज शाम तक लगभग खत्म हो जाएगी, तो गोफर्स के जो अभी के सीईओ हैं वो एक्स सीईओ हो जाएंगे, और जो सारी पावर्स और अथॉरिटीज हैं वो आईआरपी अभिलाष लाल जी के पास चली जाएंगी। इसके आगे जो देखा जा रहा है वो इसके एनसीएलटी कोर्ट में जो उन्हें कहा गया आईआरपी अपॉइंट होने के बाद कि किसी भी एम्प्लॉय जो हैं गोफर्स के उनको ले ऑफ नहीं किया जा सकता, एम्प्लॉय की छटनी नहीं की जा सकती, और उसके अलावा एनसीएलटी कोर्ट ने यह कहा है कि तत्काल प्रभाव में काम करने के लिए, अभी इनहैंड काम करने के लिए एक 5 करोड़ का अमाउंट जो है वो जमा किया जाए, जिससे कि आईआरपी आने के दिन आगामी दिनों में अपना काम कर सकें। जी, धन्यवाद करेंगे अनुवेश। तो एक तरीके से राहत भरी खबर है ये गो फर्स्ट के लिए, क्योंकि उसकी याचिका को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है और सस्पेंड बोर्ड कर दिया गया है, और जो आईआरपी है उसकी भी नियुक्ति यहां पर करने की बात है। धन्यवाद करेंगे अनुवेश।